एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम हमारे न्यू वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपसे टू हिंज आर्च के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। थ्री हिंज आर्च हमने पहले देख लिया है, उसमें हमने पैराबोलिक को भी अच्छे से एनालाइज कर लिया और हमने उसमें सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर बोल सकते हैं उसको भी हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो पहले के जो दो वीडियोज़ हैं, जो दो तीन वीडियोज़ जो हैं जिसमें हमने पैराबोलिक को डिस्कस किया था, सॉरी थ्री हिंज आर्च को जिसको डिस्कस किया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली अगर आप पूछेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आए हैं तो थ्री हिंज आर्च से ज़्यादा आते हैं, लेकिन आज हम टू हिंज आर्च को भी देख लेते ताकि कोई टॉपिक हमारी छूटे ना। इसमें टू हिंज आर्च में मेनली जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपके डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, टू हिंज्ड आर्च, ठीक है, टू हिंज्ड आर्च। तो आपको पता है टू हिंज आर्च, मैंने आपको बताया भी था कैसे बनाते हैं। चलिए अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो ये हमारे पास आर्च है, तो ये अगर ए पॉइंट है, ए जॉइंट पे हमने कैसा लगा इसको, हिंज सपोर्ट दे दिया। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ तो बी पे भी कैसा दे दिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने हिंज सपोर्ट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सी की बात करूँ, हमारा जो क्राउन जो होता है, ठीक है, जो क्राउन पॉइंट मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो आता है, इसके पहले में हमने क्या किया था, वहाँ पर भी हमने एक हिंज दिया था, इंटरनल हिंज। यहाँ पर हम उसको हिंज नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम हिंज नहीं देंगे। टू हिंज मतलब सिर्फ ए और बी ही हिंज है, बाकी सी आपका हिंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ पहले बता दिया था मैंने। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये रहेगा कि इसकी इनडिटर्मिनेसी आप मेरे को बताइए, ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, आप ये मुझे बताइए। तो इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं हम, अगर मैं इसका डी एस का बताऊँ, कितने रिएक्शन आएंगे, हिंज है तो दो रिएक्शन, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, दो रिएक्शन। तो आर ई माइनस ई लिखते हैं हम, इंटरनल तो आएगा नहीं इसमें, सिर्फ एक्सटर्नल ही आएगा, तो आर ई कितना हो जाएगा आपके पास, फोर, ए पे दो और बी पे दो, फोर माइनस थ्री किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं हमारे पास, तीन, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एम जेड इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, तो बचेगा कितना हमारे पास, वन। इसका मतलब ये है कि ये जो चार रिएक्शन जो आ रहे हैं इसमें, जो इंड्यूस हो रहे हैं चार रिएक्शन, उसमें से आप क्या कर पाओगे, एक रिएक्शन को आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशन कितने हमारे पास, सिर्फ तीन ही है, अननोन कितने हमारे पास, चार। तो चार अननोन है, तीन इक्वेशन है, तो तीन ही आप अननोन को फाइंड आउट कर पाओगे, चार को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। तो एक क्या होगा, एक इक्वेशन, एक रिएक्शन आपका बच जाएगा, ठीक है, उसको आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट रिएक्शन, ठीक है। मॉड्यूल वन अपन पूरा पढ़ चुके हैं ना, यहां पर कोई डिस्कस नहीं, वो नहीं होना चाहिए, कोई यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिडंडेंट रिएक्शन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक आ जाएगा आपके पास एच ए, यहां पर आ जाएगा आपके पास आर ए, वर्टिकल रिएक्शन, यहां पर आपके पास आ जाएगा आर बी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा एच बी। कोई फोर्स नहीं लगाया हूं, तो एच ए और एच बी सेम हो जाएगा, तो उसको मैंने एच से ही डिनोट किया है, ठीक है। अब यहां पर रिडंडेंट रिएक्शन अपन मानेंगे किसको, हमेशा आप ले लेना जो एच जो होगा, एच जो होगा उसको आप क्या ले लेना, रिडंडेंट रिएक्शन उसको मान लेना, ठीक है। इसके पहले जो थ्री हिंज आर्च हम जो देख रहे थे वो उसमें क्या था, तीन हिंज थे, ए बी तो था ही, सी पे भी हिंज था। तो अगर आप वो देखोगे तो एक रिएक्शन वहां से क्या होगा, यहां पर अगर हिंज होगा तो एक रिएक्शन वहां से रिलीज हो जाएगा, एक रिएक्शन रिलीज हो गया तो टोटल अपने पास अननोन कितने होंगे, तीन ही बचेंगे। तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो, या फिर डीएसई और डीएसआई से भी करके आप देख सकते हो। तो तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, तो वहां से आपका वाला स्ट्रक्चर कैसा होता था, डिटर्मिनेट होता था। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कैसे आपके पास, टू हिंज आर्च कैसे आपके पास, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप यहां पर थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि आपके पास जो टू हिंज आर्च जो है, टू हिंज आर्च इज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर मैंने आपको बताया, हमेशा आपको h की वैल्यू आपसे जनरली, अगर आप कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव में भी देखोगे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपसे डायरेक्ट कोई टाइप का आर्च दे देगा, टू हिंज आर्च, उसमें अंडर सर्टेन टाइप की लोडिंग दे देगा, आपको बोलेगा कि बताओ यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आएगा, h का जो, या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोल सकते हैं, वो कितना आएगा। तो उसके कुछ कुछ अलग अलग हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस भी होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं h निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया।
अप्रोच करेगी हमारी। पहले हम जो करते थे 5-6 स्टेप में उसको हम डील कर पाएंगे क्या? नहीं। पहले क्या करते थे हम, पहले हम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते थे? फर्स्ट स्टेप में हम वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते थे। वर्टिकल रिएक्शन मतलब RARB निकाल लेंगे। सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आप जब निकालते हो तो किसके हेल्प से निकालते हो आप? आप किसके हेल्प से निकालते हो? बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो करते थे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, हिंज होता था। सी पॉइंट पे अगर हिंज है तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इस वाले इक्वेशन से एम सी इक्वल्स टू जीरो से हमें क्या मिल जाता था? एच मिल जाता था। बट यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर तो हिंज है नहीं, तो यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट हमारा क्या चलेगा? प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, अब रिकॉल करिए। देखिए, मैं पहले आपको बताया था स्ट्रक्चर एनालिसिस टोटल कैसे आपके पास सीक्वेंशियल सब्जेक्ट है। टोटल सीक्वेंशियल सब्जेक्ट आप पहले जो जो पढ़े हो, जैसे कि ये हो गया, ये वाला टॉपिक कहाँ पढ़े थे हम? चैप्टर वन में पढ़े थे। अभी हम क्या डील कर रहे हैं? चैप्टर सिक्स डील कर रहे हैं। तो चैप्टर वन का कंसेप्ट यूज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर टू में आपको मैं एक चीज़ बताया था, उसका नाम क्या था आपके पास? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या फिर स्ट्रेन एनर्जी बोल दो, एनर्जी थ्योरम। तो किसी को याद है क्या कि हम यहाँ पे कैसे डील करते थे इसको, इस थ्योरम को? मैं आपको बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेकेंड मॉड्यूल में। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या बताया था मैं आपको? इसमें आपको बताया था डेल बा यू अपॉन डेल बा आर इक्वल्स टू क्या होता था हमारा? जीरो। अब आप बोलोगे सर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर क्या है? तो सेकेंड, अगर आप मॉड्यूल अच्छे से देखोगे तो आपको पता होगा आर क्या था हमारे पास। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम ये स्टेट करता था कि अगर कोई रिडंडेंट रिएक्शन है, अगर कोई रिडंडेंट फोर्स है, तो उसके कारण जो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी जो डेवलप होगा, यू जो डेवलप होगा, वो क्या आएगा? बहुत मिनिमम क्वांटिटी आएगी। ठीक है, कोई भी रिडंडेंट फोर्स के कारण अगर आप स्ट्रेन एनर्जी देखोगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? बहुत मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी देखने को मिलेगा। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। अब मैं एक तो वैसी यू की वैल्यू क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है। अब मैं उस कम वैल्यू की क्वांटिटी को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ? डेल बाय यू अपॉन डेल बाय आर कर रहा हूँ। मतलब कम जो क्वांटिटी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा मुझे? एक बहुत ही नेग्लिजिबल मुझे वैल्यू मिलेगी। उसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ? इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताया? आर मतलब रिडंडेंट रिएक्शन में किसको लेने के लिए बोला? मैं बोला एच को आप ले लो रिडंडेंट। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल रिएक्शन तो आप फाइंड आउट कर लोगे समेशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो से और समेशन एम ए इक्वल्स टू जीरो से। लेकिन यहाँ पर सिंस हिंज नहीं है तो हम एच को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सिंस एच को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए तो हमने जो रिडंडेंट रिएक्शन जो माना है वो किसको मान लिया? हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को हमने मान लिया रिडंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एच को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट माना है। इसका मतलब ये वाला जो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम था, इसको मैं क्या लिख लूँ? इसको मैं लिख लूँ डेल बा यू अपॉन डेल बा एच इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, डेल बाय यू अपॉन डेल बाय एच इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से इस कंसेप्ट से लेके, इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे एच की वैल्यू। ठीक है, आप मुझे क्या बताएंगे? एच की वैल्यू। जनरली ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब भी टू हिंज आर जब भी पूछा जाएगा तो उसको आपको पूरा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम, जैसे इसके पहले हम पूरे 5-6 स्टेप में सारी चीज़ निकालते थे। बेंडिंग मोमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका नॉर्मल थ्रस्ट हो गया, रेडियल शेयर हो गया, वो सारी चीज़ें हम जो निकालते थे, यहाँ पर निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसी को अगर आप प्रूफ करते करते जब आप एच निकालोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? पूरा एनालाइज करने के लिए जनरली पूछेगा नहीं आपसे, तो आपसे वहाँ पूछेगा कि आप मेरे को एच की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलेगा बेंडिंग मोमेंट बता दीजिए या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा वेटेज का रहा तब आपको बोलेगा कि हाँ सारी चीज़ें निकालो इसमें। ठीक है, बट जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो एच की वैल्यू आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ आपसे, अगर कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन रहा तो वहाँ पर आपको क्या बोलेगा कि आप वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी निकाल के बताइए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपके पास कि हम यहाँ से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन ये जो मैंने एक्स्ट्रा जो इक्वेशन लिखा ये क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो आर्च है वो कैसा आर्च है हमारे पास? इनडिटर्मिनेट आर्च है। तो कोई भी जब भी इनडिटर्मिनेट होता है, टू हिंज आर्च देन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पर? हमें चाहिए होता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कंपैटिबिलिटी
इक्वेशन चाहिए होती है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किसको यूज़ कर रहे हैं, हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं एज अ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, डेल बाई यू अपॉन डेल बाई एच, डेल बाई एच इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप मुझे क्या बताएंगे, आप मुझे बताएंगे एच की वैल्यू कितनी आ रही है, क्लियर। तो ये था इसका कंसेप्ट। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम पर अपन डील करते हैं इसके फिगर पे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चलिए अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी लेंथ होगी इसकी, जो भी इसका राइज होगा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये वाला ये जो पॉइंट है समवेयर बिटवीन, ये आपका एक्स डिस्टेंस पे, फ्रॉम ए से आपने एक्स डिस्टेंस पे लेके मैं बोला कि आप मुझे यहाँ पर बताइए कि इसका अच्छा ये सेमी सर्कुलर आर्च है ना, ये पैराबोलिक मत ले लेना, ठीक है। मैं अभी किसको डील कर रहा हूँ, मैं अभी डील कर रहा हूँ सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर आर्च लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए यहाँ पे सर्कुलर आर्च। इस केस पे मैं यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्च यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब ओ ए भी कितना आपके पास रेडियस है, ओ बी भी कितना आपके पास रेडियस है, और ओ से सी भी कितना आपके पास रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके आप मुझे क्या बताइए, यहाँ पे आप मुझे बताइए इसका वर्टिकल डिस्टेंस वाई हो गया इस पॉइंट पे, चलिए डी पॉइंट पे बोल रहा हूँ, डी पॉइंट पे आप मुझे क्या बताइए, बेंडिंग मोमेंट बताइए, ठीक है। मतलब आपको क्या बताना है, मुझे एम एक्स बताना है, एम एक्स या फिर एम डी बोल दीजिए, तो मुझे इस पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, एम एक्स। चलिए अब यहाँ से अगर मैं सेक्शन काटा, ये मैंने सेक्शन काट लिया यहाँ से एक्स एक्स, मैंने सेक्शन काट लिया यहाँ पे। अब मैं सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट में देख रहा हूँ, सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट में देख रहा हूँ, तो मेरे को टोटल रिएक्शन कितनी दिख रही है, एक आर ए दिख रही है और दूसरी कौन सी दिख रही है मुझे, एच। तो ये दोनों फोर्सेस के कारण ही तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, और तो कोई फोर्सेस दिख नहीं रही है। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ए पे, तो यहाँ से अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ तो दो रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा, कौन कौन सा, एक होगा आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से मिलेगा आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ की तो बात कर ली अपन, मैं ये आर ए इंटू एक्स जो है ना इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि ये क्या है मेरे पास, ये बीम मोमेंट है। बीम मोमेंट का मतलब ये हो जाएगा जो वर्टिकल रिएक्शन के कारण जो आ रहा है उसके कारण, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के कारण था। अब आर ए इंटू एक्स आप निकाल लोगे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे आपको बोला गया और आर ए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, समीशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो से। लेकिन एच क्या है हमारे पास, एच रिडंडेंट है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं दोनों को सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से बोला बीम मोमेंट क्या है हमारे पास, आर ए इंटू एक्स, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एम से, एम क्या है हमारे पास, बीम मोमेंट है। तो अगर मैं एम एक्स निकाल रहा हूँ कोई डिस्टेंस पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एम माइनस एच वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, एम एक्स इक्वल्स टू एम माइनस एच वाई, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मुझे क्या निकालना है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम का, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है डेल बाय यू अपॉन डेल बाय एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। और डेल बाय यू अपॉन डेल बाय एच की अगर मैं बात करूं, तो यहां से अगर मैं बात करूं यू, यू की वैल्यू कितनी होती है स्ट्रेन एनर्जी की, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है आपके पास, एम एक्स स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई। देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे कि ये डी एस की जगह ना वो लिख लेंगे डी एक्स, एस के आपके पास डी एस के आपके पास सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा मूव कर रहा है हमारे पास बीम, रेडियली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर लीनियरली मूव करता, अगर आपका बीम ऐसा लीनियर मूव करता कुछ इस टाइप से, ठीक है, मान लीजिए एक आपके पास बीम है, तो यहाँ से आपने अगर सेक्शन काटा ये एक्स एक्स, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते थे,
उसको dx ले सकते थे, लेकिन अभी मैं क्या ले रहा हूँ, ये कैसा मूव कर रहा है, ये एंगुलर मूव कर रहा है, रेडियली मूव कर रहा है, तो मैं छोटा सा सरफेस लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको मैं dx से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ds से। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना। चलिए अब मैं यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मुझे एक्चुअली में ये वाला टर्म देखना है ये कितना आएगा। तो अगर मैं u की वैल्यू पुट किया तो u कितना बता रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर, और mx कितना है हमारे पास, mx कितना है हमारे पास, m माइनस hy। तो u की वैल्यू पुट किया तो हो जाएगा इंटीग्रेशन mx स्क्वायर मतलब m माइनस hy का होल स्क्वायर, m माइनस hy का होल स्क्वायर इंटू ds अपॉन 2ei, इंटू ds अपॉन 2ei। तो ये क्या था अभी, ये हमने निकाल लिया स्ट्रेन एनर्जी, हमने अभी सिर्फ u की वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब मैं इस थ्योरम में पुट कर रहा हूँ, डेल बाय u अपॉन डेल बाय h चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ से इसको निकाल लूँ, अगर डेल बाय u अपॉन डेल बाय h अगर मैं निकाला तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएट होगा, कितना हो जाएगा 2m माइनस hy, फिर अंदर hy के साथ h के टर्म्स में निकाल रहा हूँ तो क्या बच जाएगा, माइनस y, माइनस y ds अपॉन क्या बच जाएगा 2ei, ठीक है। ये टर्म बच जाएगा जिसमें 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू डेल बाय u अपॉन डेल बाय h कितना बोला मैंने, डेल बाय u अपॉन डेल बाय h कितना रखना है मुझे, 0। तो यहाँ से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। तो अगर इसको मैं लिखूँ अलग से तो माइनस y इंटू ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले m को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस y से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम वाई इंटू डी एस अपॉन ई आई, जिसमें माइनस को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया। फिर ये सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस h y स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। समझ में आ रहा है, हम यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हैं, हम डेल बाई यू अपॉन डेल बाई एच इक्वल्स टू 0 को यूज़ कर रहे हैं। u की जो वैल्यू थी स्ट्रेन एनर्जी को वो हमने निकाल लिया, और उसको डिफ्रेंशिएट करके ये वाले टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैं एडिशन कर लिया यहाँ पर। अब ये माइनस में ये प्लस में इक्वल्स टू 0 है, तो ये माइनस वाले को उधर लेके चले जाऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, h y स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम वाई डी एस अपॉन ई आई। निकालना क्या है हमें, अल्टीमेट निकालना क्या था, हमें निकालना था यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें h चाहिए। तो अल्टीमेटली हम h निकालने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का, किसके टर्म्स में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के टर्म्स में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, और हमें यहाँ से h निकालना है। तो अगर मैं h की बात करूं, तो ये h तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा h, और ये इंटीग्रेशन y स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई मैं राइट हैंड साइड में लेके चले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम वाई डी एस अपॉन ई आई अपॉन बचा गया इंटीग्रेशन y स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ठीक है। यहाँ से अगर आप फाइनल h की वैल्यू देखेंगे, तो अगर यहाँ से अगर आप फाइनल h की वैल्यू देखेंगे तो ई आई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/ei, ये वाला 1/ei भी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो h की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी एस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये फाइनल आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को निकालने का क्या है आपके पास तरीका है, ये क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोल सकते हैं, रिडंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप। इसको निकालने के लिए h इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इंटीग्रेशन m वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी एस, समझ में आया। तो ये हम किसके यूज से निकाले, h को हमने निकाला है, एक हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किया, किसके टर्म में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के टर्म में, जिसमें डेल बाय यू अपॉन डेल बाय एच इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो यहाँ से मैंने u निकाल लिया, अल्टीमेटली u के लिए हमें mx चाहिए, ठीक है, u के लिए हमें mx चाहिए, mx हमने यहाँ से निकाल लिया, और बेंडिंग मोमेंट
कहाँ से निकाला हमने, कोई भी एक सेक्शन कट किया और वहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट ले लिए, ठीक है। तो एच निकालने का जो प्रॉपर जो तरीका होगा इस केस में, इसके पहले वाले थ्री हिंज में क्या होता था, सिंपल होता था, एच निकालने का कोई वो ही नहीं होता था उसका, कोई क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ही नहीं था। तो वहाँ पर बस मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो कर लिए और एच वहाँ से निकल जाता था। बट यहाँ पर सिंस ये जो आर्च है ये इनडिटर्मिनेट आर्च है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम जो होगा वो और ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, एच की ये वाली वैल्यू याद रखनी है। तो एच आप सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे, अल्टीमेटली पूछा क्या जाएगा आपसे, बेंडिंग मोमेंट। तो आप बेंडिंग मोमेंट का ये वाला जो एम एक्स है, ये एम एक्स को आप पुट करके यहाँ से आपने एच फाइंड आउट कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका एम एक्स आप फाइंड आउट कर लोगे। कोई भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, यहीं से सारी चीज़ें जो हमारे जो कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो उसको हम इसी के पार्ट्स को हम एनालाइज करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसका काफ़ी अच्छे से नोट्स बना लिए, एच का फॉर्मूला लिख लीजिए, एम एक्स का लिख लीजिए और ये जो मैंने थ्योरम बताया इसको भी काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अपन देखते हैं एक आध कोई क्वेश्चन, ओके। चलिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर, कि आपके पास टू हिंज आर्च है, एक टू हिंज आर्च है सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट ग्राउंड। ग्राउंड मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने टू हिंज आर्च ले लूँ, अच्छा ये सेमी सर्कुलर आर्च है ना, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। तो ये मैंने बना दिया एक सेमी सर्कुलर आर्च, ये ए पॉइंट है जिसमें हो गया आपके पास हिंज, ये भी हो गया आपके पास हिंज, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसको मैं बोल दे रहा हूँ सी से, बट ध्यान रखना है ये हिंज नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपके पास हिंज नहीं है, यहाँ पर एक लोड लग रहा है, लोड लग रहा है कितने का, पी का, यहाँ पर लोड लग गया। अच्छा अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले चलिए सेमी सर्कुलर है ना, अगर ये सेमी सर्कुलर है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, मतलब ओ ए कितना है आपके पास, ये भी रेडियस है, ओ बी कितना है, ये भी आर है, और ओ सी कितना है, ये भी आपके पास आर है, ठीक है। सारी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, रेडियस। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे जाके, कोई भी आप क्या करिए, कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर इस पॉइंट पे आप मुझे, अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, इसको मैं ले रहा हूँ कितना वाई, चलिए इसको मैं क्या ले लिया, इसको मैं ले लिया वाई डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को मैं वाई बोल दिया। मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम एक्स, एम एक्स मतलब, अच्छा एम एक्स तो अब निकालना बाद में सीख लेंगे, चलिए मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताइए यहाँ पर रिएक्शन कितने डेवलप होंगे, हिंज है तो दो रिएक्शन डेवलप होंगे, दिस इज आर ए एंड दिस इज एच, सिमिलरली दिस विल बी आर बी एंड दिस विल बी एच, एच ए एच बी भी लिख सकते हो, लेकिन एच ए और एच बी सेम हो जाएगा, जब समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करोगे तो दोनों कितने हो जाएंगे आपके पास, एच ही मिलेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मुझे आपसे पूछा, मैं आपसे पूछा कि ये जो एक्स है ये एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, अगर मैं आपसे पूछूँ ये एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक और बार अपन देख लेते हैं। तो मैं ये ओ से क्या किया, मैंने ये ओ से मैंने एक सेंटर से, ये क्या है हमारे पास रेडियस है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक थीटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास आर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अलग से अगर मैं निकाल के बताऊँ, ये हमने पहले वीडियो में देख चुका है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको और इजीली आपको क्या हो जाए समझ में आ जाए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी आर साइन थीटा। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आर इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाले लेंथ की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, आर कॉस थीटा। लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए एक्स। टोटल लेंथ कितना है मेरे पास, रेडियस। ओ से ए तक कितना है मेरे पास, रेडियस। और ओ से ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वो कितना है हमारे पास, आर कॉस थीटा। तो एक्स कितना हो जाएगा, टोटल माइनस आर कॉस थीटा। तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना है, रेडियस माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं यहां से इसको मैं कॉमन ले लूं आर को, तो अगर मैं आर को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा ये, आर वन माइनस कॉस थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में जब भी डील करोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक्स कितना है, आर वन माइनस कॉस थीटा, और वाई कितना है, आर इंटू साइन थीटा। तो इसके बाद हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जनरल आपको बताने के लिए था कि एक्स और वाई सेमी सर्कुलर आर्च है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सेमी सर्कुलर आर्च है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ द सर्कल है। मतलब यहां से आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए आर का, आर्च का कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, वो सारे डिस्टेंस कितने होंगे, उसका रेडियस ही होगा, सेमी सर्कुलर आर्च है। ठीक है, अच्छा चलिए अब अपन यहां से क्या करते हैं, इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अपन यहां से क्या करते हैं, इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इंटरेस्टेड हूं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल जो आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो थ्रस्ट जो आएगा एच की वैल्यू, सबसे पहले ये जानना अपन सीख लेते हैं, बाद में अपन बेंडिंग मोमेंट तो इजीली निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं उसमें। ठीक है, एच निकालने तक ही बहुत टाइम चले जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह काफी कुछ आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं। वर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ए और आर बी, आर ए एंड आर बी। तो चलिए वर्टिकल रिएक्शन निकालना आपको पता है, देखिए बेसिकली ये आपके पास पूरा एक सिमेट्रिकल आर्च, सिमेट्रिकल आर्च है, उसमें सेंटर पे क्या लग रहा है आपके पास, एक लोड लग रहा है, सेंटर पे क्या लग रहा है, लोड। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों वर्टिकल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये भी उसका आधा ले लेगा और ये भी उसका आधा ले लेगा। आर ए और आर बी क्या हो जाएगा आपके पास, पी बाई टू और पी बाई टू। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू जीरो। तो वहां पर आप देख सकते हैं आर बी इंटू कितना हो जाएगा, आर बी इंटू टू आर माइनस पी इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो आप यहाँ से आर बी निकाल लीजिए, आर बी कितना हो जाएगा आपके पास, पी बाय टू। सिमिलरली समेशन एफ आई इक्वल्स टू जब जीरो करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू पी हो जाएगा, इसका मतलब आर ए इक्वल्स टू पी माइनस पी बाय टू। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, पी बाय टू पी बाय टू। क्लियर, तो आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया यहाँ से वर्टिकल रिएक्शन। अगर ये थ्री हिंज आर्च होता तो एच भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एडिशनल एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाता, क्या, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सिंस यहाँ पे टू हिंज आर्च है, तो टू हिंज आर्च है मतलब ये वाला जो आर्च है कैसा है, इनडिटर्मिनेट आर्च है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किसके फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में ले रहा हूँ, दैट इज डेल बाय यू अपॉन डेल बाय एच इक्वल्स टू जीरो। और इसको हमने लेके प्रूफ करके देख लिया, एनालिसिस फॉर्मूला क्या आता था, एच का फॉर्मूला होता था हमारे पास एम वाई इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई इंटू डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, तो ये हमने पहले देख लिया, हमने इसका प्रूफ करके हमने देख लिया कि ये कैसे आया। तो अब हम सीधा इसको लेके हम पूरा सॉल्व करते बैठेंगे नहीं, हमें बस ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो m है वो m क्या है, बेंडिंग मोमेंट नहीं है आर्च का, वो बीम मोमेंट है। बीम मोमेंट मतलब जो वर्टिकल रिएक्शन के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो है। मतलब m क्या हो जाएगा आपके पास, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलना मत, m आपके पास है बीम मोमेंट। ठीक है, मतलब m की वैल्यू कितनी है, आर ए इंटू एक्स। ठीक है, और एम एक्स की अगर बात करूँ तो एम एक्स कितना हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, ये एम क्या है, बीम मोमेंट है। चलिए यहां पुट कर दें, सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिट आप कितनी रखेंगे। अच्छा, लिमिट आप मेरे को बताइए,
तो ये जो थीटा है, ये थीटा पूरा यहाँ से लेकर पूरा ट्रैवल कर रहा है, पूरा यहाँ तक 180 डिग्री तक। ए से लेकर जो बी पॉइंट है उसको थीटा अगर बेस से स्टार्ट हो रहा है, उसको पूरा रिजॉल्व करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, बी, मतलब 180 डिग्री, मतलब कितना, जीरो से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा उसको, पाई डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। तो अगर मैं एच की बात करूँ तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पर हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, हमें लिमिट कितनी चाहिए, ज़ीरो से पाई, दोनों पे ज़ीरो से पाई और ज़ीरो से पाई। नेक्स्ट अगर बात करूँ एम की, तो एम कितना हो जाएगा, एम क्या है हमारे पास, बीम मोमेंट है। बीम मोमेंट क्या होता है हमारे पास, आर ए इंटू एक्स, आर ए हमने निकाल लिया कितना है वो पी बाई टू, ठीक है। एम क्या है हमारे पास, आर ए इंटू एक्स, तो आर ए कितना है हमारे पास, पी बाई टू इंटू एक्स, कितना है हमारे पास, एक्स कहाँ गया, एक्स कितना निकाले थे हम, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, एक्स कितना निकाले थे हम, ये इसको आप यहाँ पे पुट कर देना ना, आर ए इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, पी बाई टू इंटू एक्स कितना है, वन माइनस कॉस थीटा, सॉरी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इंटू वाई भी कर रहे हैं, वाई कितना है हमारे पास, आर इंटू साइन थीटा, इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा, इंटू अब क्या बचा, डी एस। अच्छा अब अपन को डी एस भी तो निकालना पड़ेगा, डी एस क्या हो जाएगा, एक छोटा सा मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, एक सेगमेंट ले रहा हूँ, छोटा सा एक सेगमेंट ले रहा हूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हमारे पास आर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास आर, यहाँ से मैं क्या किया, एक छोटा सा मैं एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ डी थीटा, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डी थीटा, और ये क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी एस, और ये डी एस क्या है, एक छोटा सा आर्क है, आर क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा इंटू क्या हो जाएगा, एंगल, लेंथ कितना है हमारे पास, आर इंटू क्या हो जाएगा ये, डी थीटा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा क्रम्बलसम हो गया, आप प्लीज़ इसका थोड़ा नीट डायग्राम बनाइएगा, मेरा उतना अच्छा बना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर एंगल ले लिया डी थीटा, तो यहाँ से जो सेगमेंट हो गया डी एस वो कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर डी एस की भी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, डी एस कितना हो जाएगा आपके पास, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इतना आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हमारे पास न्यूमरेटर में। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जीरो से पाई वाई स्क्वायर, वाई कितना है हमारे पास, वाई है हमारे पास आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हम यहाँ से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एस, डी एस क्या होता है हमारे पास, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये पूरे इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे इस पूरे इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से h मिल जाएगा। तो यहाँ पे हिम्मत मत हार जाना कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, बस यहीं तक ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले ज़ीरो से पाई जो है, इसको अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊँ, तो ज़ीरो से पाई को अगर आप मैथ्स अगर आप पढ़े हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 इंटू ज़ीरो से पाई बाई टू लिख सकता हूँ क्या। ज़ीरो से पाई को एक लिमिट होती है, जो फाइनाइट इंटीग्रल्स होते हैं उसकी जो लिमिट होती है उस पर अपन क्या करते हैं, ज़ीरो से पाई को अपन 2 कॉमन लेके इसका दोनों का अपन हाफ कर दें, तो ज़ीरो का हाफ कितना हो जाएगा, ज़ीरो ही होगा, पाई का हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, बचा गया पी बाई टू को मैं बाहर लेके चले गया, ठीक है, पी बाई टू को चलिए अभी अंदर ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा पी बाई टू। टोटल आर कितने, एक दो और तीन, तो कितना हो जाएगा ये आर क्यूब इंटू, ये कितना है वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ क्या बचा, साइन थीटा इंटू क्या हो गया आपके पास, डी थीटा। ये समझ में आया। नेक्स्ट नीचे अपन देखेंगे, तो नीचे पे आर स्क्वायर इंटू आर, ये कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पर भी जीरो से पाई बाई टू कर लेते हैं, टू को बाहर ले लिया मैंने, फाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ये, जीरो से पाई को अपन टू इंटू जीरो से पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया आपके पास, आर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये, डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ,
सारी जो कॉमन चीज़ें, देखिए डी थीटा के टर्म्स में मुझे इंटीग्रेशन करना है, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें उसको अपन कांस्टेंट लेके बाहर कर सकते हैं। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये टू टू तो पहले कैंसिल कर दो, एच कितना हो जाएगा, पी आर क्यूब बाई टू को बाहर लेके आ गया मैं, पी आर क्यूब बाय टू को बाहर लेके आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी मैं आर क्यूब को बाहर लेके आ गया, और ये आर क्यूब और ये वाले आर क्यूब कट जाएंगे। अंदर क्या बचा, अंदर बचा जीरो से पाई बाय टू वन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना मिला, जीरो से पाई बाय टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आर क्यूब और आर क्यूब को मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, वरना फिर से एक स्टेप पूरा लिखना पड़ जाएगा मुझे। तो इसको मैं कितना लिख देता हूँ, पी बाय टू। क्लियर है? तो हमारे पास अभी इंटीग्रेशन कितना बच गया, यहाँ तक हमारा इंटीग्रेशन बच गया। अब अगर आप बोलोगे कि सर जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ साइड से लिख ले रहा हूँ, जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कितना होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस इसकी वैल्यू अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास पाई बाय फोर। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू इंटू डी थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू। अब यहाँ से डी थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बाय वन बाय टू को बाहर कर दिया मैंने, वन बाय टू को बाहर कर दिया, बचा गया जीरो से पाई बाय टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास, डी थीटा माइनस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा बाय टू। अच्छा, पहले तो अंदर वही कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा हाँ साइन टू थीटा बाय टू, ये बच गया आपके पास। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप इंटीग्रेशन करके आपको क्या करना है, लिमिट करना है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बाय टू, तो इसकी वैल्यू पाई बाय टू आ जाएगी, इंटू आप हाफ करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ये पाई बाय फोर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी पी बाय टू, इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास, जीरो से पाई बाय टू वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया ये, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और टू साइन एक्स कॉस एक्स पता है कितना होता है, साइन टू एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन टू थीटा बाय टू, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय टू कर दूँ ताकि टू टू कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा डी थीटा, और नीचे क्या आया, नीचे आपके पास आ गया है कितना, पाई बाय फोर। नीचे कितना आ गया आपके पास, पाई बाय फोर। तो इसको मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये पाई बाय फोर को मैं अगर ऊपर लेके गया तो इसको मैं फोर पी अपॉन टू पाई लिख सकता हूँ, फोर पी अपॉन टू पाई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन, कितना आया, फोर पी अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन हार्ड पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बोला था कि जो टू हिंज वाला जो है वो ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि एच को निकालने में ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पर। तो एच अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया फोर पी अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाय टू। चलिए इंटीग्रेशन तो अपन लिख लिए वाला स्टेप, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस फिर से साइन टू थीटा है तो अगेन माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस टू थीटा बाय टू, जिसमें से टू एक और है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बाय फोर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से पाई बाय टू। तो आप इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करके मेरे को वैल्यू बताएंगे, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा,
आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पी बाय पाई। ठीक है, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पी बाय पाई। एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी पी अपॉन पाई। इसका जो टोटल जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वन बाय टू। तो वन बाय टू, ये फोर, टू टू जक फोर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पी बाय पाई आपके पास बचेगा। तो यहाँ से अब जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट निकाले हो एच, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पी बाय पाई। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बोल देगा के निकालो, इसकी जो वैल्यू आपको दे देगा कि टू हिंज आपके पास एक आर्च है जिसके ऊपर क्राउन में क्या लगा है, एक आपके पास पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लोड लगा है और सीधा सीधा आपको बोल देगा कि आप मेरे को बताइए कि इसका जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन पाई। क्लियर है, तो ये आप इसका शॉर्ट नोट्स ही बना के रख सकते हैं जो गेट वगैरह के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में तो पूरा का पूरा आपको एनालाइज करने आना चाहिए, ईएससी में अगर कन्वेंशनल आ गया तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन गेट हो गया, जेईई वाला पेपर हो गया, उसमें आपको सीधा सीधा एक आपको टू ही दे देगा, लोड लगा देगा, आप बोलेगा इसमें बस मेरे को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू बताई, तो वो एक या दो नंबर के लिए आप इतना बड़ा इंटीग्रेशन वगैरह परफॉर्म करके पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी का डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख लीजिए, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना भी लोड लगा है डिवाइड बाय क्या करेंगे हम उसका, डिवाइड बाय पाई कर देंगे, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पी के टर्म्स में ही दें, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका 10 किलो न्यूटन की फोर्स भी लगी हुई है, तब आपको वहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा कि 10 अपॉन पाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको वहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को अपन डील कर सकते हैं, ये मैं यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कोई कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रख लीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।